नए साल पर पुलिस के नाके फेल, मनीमाजरा में कार लूट ले गया लुटेरा। शॉपिंग के लिए आए थे पति पत्नी। नए साल के जश्न पर एक और जहां चंडीगढ़ में लगभग 2000 पुलिस जवान शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में तैनात थे, वहीं मनीमाजरा में गन पॉइंट पर एक कार लूटने की वारदात हुई है। हथियारबंद लुटेरे ने एक दंपत्ति के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने नए साल पर 9 बाहरी और 43 अंदरूनी नाकों का दावा नए साल पर किया था, वहीं जगह जगह चेक पॉइंट की भी बात कही थी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने मामले में IPC की धारा 392 लूट और 397 लूट या डकैती के लिए किसी को भी गंभीर रूप से चोटिल करने का प्रयास और 506 धमकाने तथा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि मोहाली में पिछले 1.5 महीने में कार लूट की 7 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मामले में शिकायतकर्ता जीरापुर के ढकौली के सम्मी कुमार श्रीवास्तव हैं। वह अपनी पत्नी रुबीना के साथ नए साल की शाम NAC मनीमाजरा शॉपिंग के लिए गए थे। उन्होंने अपनी लाल रंग की ब्रीजा SUV तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम के पास पार्क की थी। इसका कर्नाटक का नंबर था। शाम को 8:45 पर जब वह कार में बैठने लगे तो पीछे से लुटेरे ने पिस्टल लगा दी और कार से बाहर निकलने को कहा। जान का खतरा पाकर दंपति ने विरोध नहीं किया और लुटेरा कार ले गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।